हेलो। हेलो, दरिया बेटी बोल रही हो? हाँ जी, आप कौन? बेटे जी, मुझे आपके पापा ने आपका नंबर दिया है। उन्होंने कहा था कुछ पैसे डालने के लिए। हाँ पापा ने नंबर दिया है पैसे भेजने के लिए? अरे जी, आपने मांगे होंगे उनसे, मुझे उन्हें भेजने थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी के नंबर पर ही भेज दो। पर मैंने तो पापा से कोई पैसे नहीं मांगे। वैसे आप मेरे पापा को कैसे जानते हो? मनोज नाम है ना आपके पापा का? हाँ जी। जी, वो मेरे दोस्त हैं। आप ये बताइए कि इसी नंबर पर भेजने हैं ना पैसे? बेटा, हाँ जी, इसी नंबर पे डाल दीजिए। मैं अभी डाल देता हूँ 10,000 रुपए। बेटा, ये मैंने डाल दिया, एक बार चेक करिएगा। हाँ जी, मैसेज आ गया है। ठीक है, मैं बच्चे को 2,000 रुपये भेज देता हूँ। अरे बेटे जी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे 2,000 भेजने थे और गलती से मैंने 20,000 भेज दिया। वो क्या है, 1 0 ज्यादा लग गया। अरे हाँ अंकल, 20,000 रुपये आ गए हैं गलती से। हाँ बेटे जी, आप एक काम करो, आप ना 18,000 मुझे वापस डाल दो। जी ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। ठीक है बेटे जी, शुक्रिया। क्या कर रही हो? अरे वो पापा ने पैसे भिजवाए हैं ना, और जिनसे भिजवाए थे उन्होंने गलती से 2,000 की जगह 20,000 भेज दिए, 1-0 एक्स्ट्रा लगा दिया। पापा ने पैसे भिजवाए, उनसे क्यों मांगे तुमने पैसे? क्या जरूरत पड़ गई? अरे मैंने पैसे नहीं मांगे, उन्होंने अपने आप बोला भेजने को। किसी और से भिजवाए? किसी और से क्यों भिजवाएंगे, भेजने होते हैं वो खुद ही ना भेज देते। चेक करो, वैसे भी आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो, वो ऑलरेडी मुझे 30,000 रुपये भेज चुके हैं, और तुम कह रहे हो कि वो फ्रॉड करेंगे मेरे साथ। कम ऑन। हेलो, हेलो, क्या हुआ बेटी, तुम्हारे मन में लालच आ गया क्या? अरे नहीं, अंकल मैं बस भेज ही रही हूँ, आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए। आप मेरे पापा के दोस्त हैं, आपके पैसे लेकर कहाँ ही जाएंगे हम। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा भी बहुत ईमानदार इंसान है, उन्होंने मेरे बुरे टाइम में मेरी काफी हेल्प की है। हाँ जी, आप मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं अभी भेजती हूँ आपके पैसे वापस। जी बेटा। सुन लिया, एक बार जरा इन्हें पैसे भेज दूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? अरे कम से कम एक बार पापा से पूछ तो लो, उन्होंने किसी को बोला है नहीं बोला? इसमें पूछना क्या है यार, कोई किसी को ऐसे ही थोड़ी पैसे दे देगा। अच्छा, जब पूछना नहीं है तो कम से कम एक बार अपना बैलेंस तो चेक कर ले, कितना बैलेंस है। अरे अब इसमें बैलेंस क्या चेक करूं, देखो मैसेज दिखाती हूं मैं तुम्हें। दिखाओ मुझे फोन में। ₹19,000, कितना था पहले बैलेंस? इतना ही था? पर इतना ही रहेगा क्योंकि उसने भेजे ही नहीं है। एक मिनट रुको, ये देख रहे हो जो मैसेज आया हुआ है, पर्सनल नंबर से भेजा हुआ है, ये बनाया हुआ मैसेज है, किसी बैंक से नहीं आया, और तुम पैसे भेज रही थी। अभी 1 मिनट में पूरे 18,000 रुपये का नुकसान हो जाता, आधे महीने की सैलरी चली जाती। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं और ध्यान भी नहीं दिया। फिर से कॉल आ रहा है। हेलो, उठाओ। हेलो बेटा, आपने पैसे नहीं डाले? डालेंगे तो जरूर, लेकिन पैसे नहीं, तुझे जेल के अंदर। कौन? पुलिस। The number you have reached is not in service. Please check the number and dial again. देख लिया? हाँ यार, कितनी चालाकी से सबको स्कैम कर रहा होगा ये। दोस्तों, ये वीडियो अपने जानने वालों को जरूर भेजना, क्योंकि ऐसा स्कैम बहुत हो रहा है, तो ये वीडियो देख के शायद वो इस स्कैम से बच सके। कॉफी बनाओ।